तो कल का मैच है जी, पंजाब और पंजाब वर्सेस आरसीबी। पंजाब अभी अपनी भद पिटवा के आ रही है, हालांकि उससे पहले रॉक सॉलिड लग रही थी और बड़ी हॉट फेवरेट लग रही थी, लेकिन आरसीबी तो अनस्टॉपेबल लग रही है। आज आपने देखा एसआरएच ने कुचल के रख दिया वन साइडेड, मतलब आज तक की सबसे बड़ी डिफीट मिली एलएसजी को, लेकिन इसी एसआरएच को रौंद के आई थी आरसीबी। जो जो आरसीबी के कदमों के नीचे आता जा रहा है उसको रौंदती जा रही है। इवन रिद्धिमान साहा जीटी में जब उन्होंने बोला कि मैच को वापस खींचो, तो विराट कोहली ने बोला कि बेन स्टोक्स ऐसे कैसे खींच लोगे तुम लोग। तो विराट कोहली भाई कोई खींचने नहीं दे रहा, विराट कोहली का अलग ही लेवल चल रहा है। फैफ डुप्लेसी फॉर्म में आ चुका है, विल जैक्स है, पाटीदार है, विदेश कार्तिक है, बैटिंग खत्म नहीं हो रही, बॉलिंग भी फॉर्म में आ चुकी है। आरसीबी का सामना कैसे करेगी पंजाब, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आई थिंक आरसीबी यहाँ पे पंजाब को रौंद देगी, लेकिन पंजाब को आप इंटर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इट्स अ टफ साइड टू बीट ऑन देयर डे। उन्होंने पहले भी देखा है बड़े बड़े अपसेट करे हैं, केकेआर को उन्होंने हरा दिया था, सबसे बड़ा 261 का चेस इजी मारा था उन्होंने, इजी। उस दिन वो 300 भी चेस कर जाते। एक बार प्लेइंग 11 भी दोनों टीम्स के देखेंगे और आप लोगों से पूछेंगे भाई कि क्या आरसीबी या फिर पंजाब। देखिए दोनों टीम्स अब प्लेऑफ में तो नहीं जा सकती, लेकिन दे आर प्लेइंग फॉर प्राइड, मजा जरूर आएगा मैच देखने में। तो पांडी क्या हुई भैया यार, आप मुकाबला अगर आप देखो तो वैसे तो मैथमेटिकली पंजाब भी अभी रेस में है, 14 पॉइंट वाला जो एक कैलकुलेशन है, और आरसीबी भी, तो यानी कि एक तरीके से दोनों के लिए नॉकआउट है। जो हारेगा वो एलिमिनेट, जैसे ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, ऑलमोस्ट नहीं हो जाएगा, 12 पॉइंट पे आपको जाएगा ना। तो नहीं नहीं, कल जो हारेगा वो एलिमिनेट ही है। जैसे आज मुंबई इंडियंस पे ई लग गया है, तो कल भी पंजाब या आरसीबी में से किसी पे ई लग जाएगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है। आप लास्ट तक तो ट्राई करते हो ना कि चलो किसी तरीके से हम कोशिश तो करें, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी टीम इतनी आसानी से छोड़ेगी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो आरसीबी हो, क्योंकि पिछले बार भी जब इनका गेम हुआ था बहुत क्लोज मैच था भाई, वो मैच अच्छा खासा मैच गया था, और स्पोर्ट्स यारी पर तो खैर बेस्ट राइवलरी दिखी थी लोगों को, लात घुसे भी चढ़ गए थे और मुझे भी पीछे लग गया था, कोनी होनी पड़ गई थी मुझे। तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन एक्साइटमेंट होगा इस मैच में। और पंजाब क्योंकि हार के आ रही है, तो प्लेयर्स इनके पास भी बुरे नहीं है। आरसीबी यस जीत की एक तरीके से इनको जीत का लगातार बैक टू बैक तीन जीत गए, तो पंजाब आसान नहीं होगा पंजाब के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के पास वो प्लेयर हैं भाई जो ऑन अ गिवन डे सरप्राइज कर सकते हैं। आरसीबी सामने चाहे कोई भी टीम हो, ऐसी टीम है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं बता सकते कौन सा पंजाब किंग्स उतर रही है। नहीं यार, पंजाब को बाय द वे मैं हल्के में नहीं ले रहा। पंजाब में अगर बात, पंजाब की अगर बात करें, ये लोग जितने भी मैचेस ये लोग हारते हैं ना, तो खुद की गलतियों से ही हारते हैं। इवन सीएसके वाला मैच भी इनको जीतना चाहिए था टेक्निकली, जो इन्होंने अपने आप विकेट फेंकी, हालांकि बॉलिंग भी एक्सेप्शनल हुई थी, लेकिन इन्होंने भी विकेट फेंकी है। शुरुआत में जो आपकी बीच में पार्टनरशिप लगी थी, इन्होंने बेवकूफियां करी। बट अगर बात करें आरसीबी की, भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है हमारे लिए कि बैटिंग तो देखो कर ही रही है परफॉर्म, है ना, बट मेन बात है कि बॉलिंग फॉर्म में आ गई है, क्योंकि बॉलिंग ही आपको डराती है हमेशा आरसीबी की। बॉलिंग हमारी कैसी है, सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट आपका स्वप्निल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। फाइनली आपको आपका स्पिनर मिल चुका है जो अच्छी अच्छा स्पिन अटैक में आपको आगे रख रहा है, करण शर्मा अच्छी कर रहा है। पेस अटैक की बात करें, मोहम्मद सिराज पिछले मैच में मारा था, मैच बना था आपका। अगर बाकी बॉलर्स की बात करें, विजय कुमार वाइशेक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, यश दयाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, तो बॉलिंग एक बार फिर से फॉर्म में आ चुकी है एंड बैटिंग डोमिनेट कर रही है। लेकिन डर पता है किस बात का है कि बेंगलुरु में मैच नहीं है, मैच धर्मशाला में है ना। रबाडा की बात करें और आपका हर्षदीप की बात करें, ये आपका आफ्टरनून मैच नहीं है, ये आपका शाम का मैच है। अब शाम के मैच में अगर बात करें तो मूवमेंट मिलेगा बोलर्स को, एंड सैम करन, अर्शदीप सिंह, रबाडा, इवन दो हर्षल भी यार, इट इज अ गुड बैटल। नहीं हर्षल पटेल मैं नहीं कर रहा काउंट यहाँ पे, लेकिन मैं जिनको मूवमेंट मिल रहा धर्मशाला में, भाई आपकी बैटल इजी नहीं होने वाली है। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, आप बेंगलुरु में बहुत मारा आपने पिछले मैच में, लेकिन धर्मशाला में आप किस तरह से मूवमेंट को टैकल करते हो, शुरुआती फेज को कैसे निकालते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद टॉस भी एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा, बिल्कुल क्योंकि आप बात है उसके बाद तो ड्यू आ जाती है, जितना मर्जी ड्यू आए कि भाई ड्यू फैक्टर होगा या मूवमेंट या सारी चीजें, दोनों ही मैच के लिए, दोनों ही टीमों के लिए लास्ट चांस है और क्वालिफाई करने के लिए आखिरी मौका है, तो दोनों ही टीमें मतलब जान झोंक देंगी, जान लगा देंगी, क्योंकि ये मैच हारते ही तो बाहर है, उसके बाद तो कुछ भी हो जाओ, ई लग जाएगा, कुछ बचेगा नहीं भाई, कुछ भी नहीं। और जहां तक हमने देखा है, नो डाउट मैं आरसीबी को काउंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट सीजन भी आरसीबी के पास था कि भाई मैच जीत जाते तो मुंबई की जगह आरसीबी पहुंच जाती, लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है,
कि वैसे भी अभी भी बड़ा मुश्किल चांस है, लेकिन अगर कल का मैच जीतते हैं तो आरसीबी का भी आउटसाइड चांस है भैया, कैसे भी करके अड़ान जड़ान कैलकुलेशन लगा के 14 तक तो पहुंचे, जब से पहुंच जाए तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई कल जीतना ही है, मस्ट विन मैच है, मस्ट विन गेम है इन लोगों के लिए। जब से आरसीबी ने अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाया पंजाब के लिए भी, सेम पंजाब के लिए बैटर के साथ भाई वो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। जब से चार ओवरसीज बैटर के साथ, दिल्ली की छोड़ दो, अगर आरसीबी गलती से आगे ना प्लेऑफ में भाई टाइटल जीत जाएंगे ये लोग, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा यार, ये जो तरीके से खेल रहे हैं ना अनस्टॉपेबल है, टाइटल तो थोड़ा मुश्किल है, अगर ये प्लेऑफ में आ गए इनसे कोई नहीं जीत सकता, अच्छी टीम होंगे। मुझे कल भी यही लग रहा है कि यार पंजाब शायद कल गेम में भी ना दिखे, पंजाब कौन जीत रहा है पांडे जी, पंजाब एक तरफा तो नहीं लेकिन कल एक और बार आरसीबी इनको बुरी तरह मारेगी यार। आपको कहां से पंजाब लग रहा है दोनों को यार, वो आपको हमेशा पंजाब लगता है, हमेशा पंजाब फैन है, नहीं ऐसी बात नहीं, पंजाब फैन है नहीं, पांडे जी को आरसीबी बात वो नहीं है। देखो पंजाब किंग्स अगर आप पूरा सीजन भी उठाओ, एक चेन्नई वाला मैच ही हार गए वन साइडेड, वरना उसके पहले जब भी हारे क्लोज ले जाकर हारे, जीते हैं तो क्लोज ले जाकर जीते हैं, इसी धर्मशाला में। तो मैं बोल तो रहा हूँ वो 261 भी चेस हो गया था, इसी टीम से 261 भी चेस हुआ है भाई, छोड़ दो तो पंजाब ने हर मैच में भाई वो रखी है, एसआरएच वाले मैच में आखिरी गेंद तक लेकर चले गए थे। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम आरसीबी को कम या छोटा, हम नहीं बोल रहे, हम अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि पंजाब ने आरसीबी से ज्यादा ही इस सीजन जान मारी, अगर आप ओवरऑल अगर देख ले बट एक बात बोलूं यार, गेम ज्यादा पंजाब में था जान तो हम जो मैच जीते ना एक तरफा जीते भाई, जितने भी जीता नो डाउट उसमें आपको क्रेडिट है, लेकिन अगर आप ऑन अ होल देखें पूरे सीजन देख लें तो पंजाब ने हर मैच में जान मारी है, आरसीबी कुछ मैचेस में वन साइडेड से ऊपर है अभी पॉइंट्स टेबल पे, बाय द वे चलिए छोड़िए वो तो बराबर ही नहीं, हमने आपको बता दिया ये लोग बोल रहे हैं पंजाब, हम बोल रहे हैं आरसीबी।